ओए गाइस, गुड मॉर्निंग करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस, आज सुबह की जो शुरुआत हो रही है ना ब्लॉग की, भाई वो दुकान पे हो रही है। वो क्यों हो रही है, रीज़न बता देता हूँ। रीज़न ये है कि कल रात को बज गए थे 10, दुकान पे बहुत सारा सामान खुला हुआ था। यहाँ पर सारा सामान यहाँ पर फैला हुआ था, सारा सामान आके मैंने सेट करवाया अभी अभी, और बहुत ज़्यादा माल खुला हुआ था और कस्टमर थे कल रात को। देखो, दिन में तो कोई आजकल आता नहीं है। दिन का माहौल मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, ये क्या हो रखा है जी। दिन का माहौल ये हो रखा है, बिल्कुल सन्नाटा है एकदम सड़कों पे, और दिन में तो कोई आता नहीं यहाँ पर। ठीक है जी, जो कस्टमर निकलता है शाम को 5-6 बजे के आसपास निकलते हैं कस्टमर। 6 बजे भी काफ़ी धूप होती है, 6 बजे भी तकरीबन तकरीबन 40-42 टेम्परेचर होता है, और जाके 7-7.5 थोड़ा सा डाउन होता है, 38-35 के आसपास टेम्परेचर होता है। इतनी धूप में कोई भी नहीं आता, और दुकान का एसी पूरा दिन प्रॉपर चलता रहता है। तभी हम बैठे हैं यार, देखो काम सभी को करना है, कोई एसी में बैठ के काम करता है, कोई बाहर जाके। मैंने भी बाहर बहुत घूमा, बहुत मतलब तपिश के अंदर काम किया है, और बस काम कुम करते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर। गाइस, बाहर इतनी गर्मी है, ये बनाना वाले जो केला बेचते हैं अंकल जी मेरी दुकान के बिल्कुल सामने है, जस्ट छाँव में भी छतरी लेकर खड़े हुए हैं, क्योंकि धूप की तपिश इतनी ज़्यादा है, कुछ कहने की हद नहीं है। और अभी भी इस टाइम ये समझ लो कि 1 बजे के आसपास का टाइम है, और 45 टेम्परेचर दिखा रहा है बिल्कुल एकदम, और सड़कें एकदम सूनी पड़ी हुई हैं। इतनी गर्मी यार मैंने देखी नहीं है पहले पड़ती हुई। तो गाइस, ये वाली शॉप है, बोले तो बड़ा भाव बड़ी तारीफ कर रहे थे लोग, यार अंदर जाके देखते हैं। सर, आपके बड़े भाव की बड़ी तारीफ हो रही है सुनकर आया आपकी। मैंने कहा एक बार जाकर, मेरी शॉप पास में ही है, अब देखा है बड़ा, मैंने हमारे कज़न भी आए थे कल, मैंने कहा एक बार जाकर देखते हैं टेस्ट कैसा है आपका। आपने टेस्ट भी कैसा लगा? नहीं, मैंने टेस्ट नहीं किया सर, मैं आपको साफ आता हूँ। हाँ, कज़न हमारे कज़न है, उन्होंने टेस्ट किया था, ब्लॉग वगैरह बनाते हैं ना वो भी, तो कल आए थे हम यहाँ पर। मैंने कहा यार एक बार टेस्ट करके देखने तो बनता है, और क्या पाव वगैरह का सॉफ्टनेस कैसे, क्या चीज़ है, और स्वाद वैसा है नहीं है जैसे आप मोल कर रहे हो ना कि मुंबई वाला स्वाद है, तो वैसा स्वाद नहीं है कि ये देखना सर आप। सिंपल बेसिक वाले करना है, 5 वड़ा पाव पैक करना है आप, बिल्कुल बिल्कुल सर, टेस्ट भी ओरिजिनल वही देखना है मुझे आप। थैंक यू सो मच यार, आप अपने टाइम दे रहे हो, और मैं ये पाव देखना चाहता हूँ, इसकी सॉफ्टनेस कैसी है। बिल्कुल सॉफ्ट है यार, लाडी पाव है यार, बना बिल्कुल सिंपल बनाना, ऑथेंटिक जैसे बॉम्बे वाला, एक में स्पाइसी बहुत कम रखना, ठीक है ना। अच्छा, पहले ग्रीन चटनी लगाई है आपने, और उसके बाद ये मसाला, ये कौन सा मसाला होता है? है चटनी आता है। अच्छा, चटनी बॉम्बे वाली। अच्छा, पाव रखते हो साथ में आप, ठीक है। ये बेसिक जो मतलब स्पेशल जो होता है बॉम्बे वाला, वो स्वाद है, और साथ में क्या देते हो? कॉर्नफ्लावर और ग्रीन चिली कैप्सूल है। एक सर स्पाइसी बिल्कुल कम रखना है, एक में ये मसाला और चटनी थोड़ी कम लगाना, ठीक है ना। बाकी आप पैक करके दे दो मुझे आप। काफ़ी बढ़िया शॉप बनी हुई है, और इनकी ना एक में बिल्कुल स्पाइसी कम रखना सर। वो अलग पैक कर देना आप, ठीक है। लिस्ट लगी हुई है क्लासिक के अंदर, आप देख लेना, पोज करके देख लेना। ये ड्रिंक की है, और ये बिंदास वड़ा, जो पैरी पैरी वड़ा पाव है, दिल खुश वड़ा पाव है, स्मोकी बारबेक्यू वड़ा पाव है, ये सारी चीज़ें इस पर लगी हुई है, फ्लेवर दे रखे हैं। और जो ये लोकेशन है, ये तिलक नगर मेट्रो के पास पड़ती है, बिल्कुल तिलक नगर मेट्रो का गेट नंबर 1 है, उसके पास पड़ती है लोकेशन, मैं आपको बता देता हूँ, तिलक नगर मेट्रो के पास पड़ती है, और इसका बाहर से मैं ये है पूरी लोकेशन शॉप की। सर, गेट नंबर 1 के पास पड़ती है आपकी शॉप? आपकी शॉप गेट नंबर 1 के पास आती है? क्योंकि हमारी आज के ब्लॉग में बहुत कमेंट्स आए हुए हैं सिस्टर के, कि ये मतलब लोकेशन है, लोकेशन कहाँ पर है? लोकेशन ये नियर मेट्रो गेट नंबर 1, गेट नंबर 1 वो रहा गाइस, गेट नंबर 1 है, बस स्टैंड भी है, तिलक नगर बस स्टैंड भी है। अच्छा, बस स्टैंड के पास पड़ती है। थैंक यू सो मच सर। प्राइस ऑनर हमें मिल गए, अतुल भैया मिल गए। अतुल भैया, ये मतलब फ्रेंचाइजी ली हुई है क्या चीज़? बोले तो वड़ा पाव के नाम से हमारे दिल्ली में 15 आउटलेट है। ये हमारा तिलक नगर में एक नया आउटलेट खुला है, ये मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने, गेट नंबर 1 के सामने आते बिल्कुल बाहर निकलते अपना आउटलेट है, और 30 रुपये तक अपना वड़ा पाव स्टार्ट है। आपको वड़ा पाव की वैरायटी मिलेगी सारी। तो सर, वो मैंने लिस्ट दिखा दिया, रेट आपने बहुत रीजनेबल रखे हैं, हर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है, और चीज़ क्वालिटी नंबर 1 है आपकी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, तभी करके। हाँ सर, एक बार कैसा लगा सर वड़ा पाव आपको? बढ़िया है, रेट भी रिजनेबल है सर। आपको कैसा लगा सर? ठीक है सर,
बस सर तारीफ हो रही है, बस ऐसी यही चीज़ सही है कि मतलब हम कहते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। वीडियो दिखा के आएगा, उसको दो के साथ एक फ्री मिलेगा। अच्छा, दो बड़ा पाव के साथ एक फ्री मिलेगा। थैंक यू आपके लिए, आप वीडियो बनाएगा। ठीक है सर, थैंक यू, और फॉलो करेगा और वीडियो बनाएगा सर। थैंक यू सर, सो बहुत अच्छा लगा भैया से मिलकर। थैंक यू सो मच भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका पहली बार आया है। तो गाइस कोई भी ये आईडी को टैग करके आएगा उसको एक बड़ा पाव के साथ दो बड़ा पाव फ्री मिलेंगे, और जो भी हमारे दो के साथ एक बड़ा पाव फ्री मिलेगा। जो भी ब्लॉग देख कर आएगा और फॉलो करेगा भैया को, वीडियो दिखाएगा, और ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर आपका। बड़ा पाव को मैं पार्सल पैक करवा के ले आया हूँ, 6 बड़ा पाव पर मैं पैक करवा रहा हूँ। शुभू भैया ये लो यार, आप ही टेस्ट करो। ये लो शब्बू भैया भी टेस्ट कर रहे हैं बड़ा पाव। और मैंने कहा भैया का नेचर बहुत अच्छा था, अतुल भैया का, जहाँ पर मैं गया था जब वो ऑर्डर मिले थे, और उन्होंने कहा कि जो इस वीडियो को देखकर आएगा, फॉलो कर जाएगा, इस वीडियो को शेयर करेगा, उसको एक बड़ा पाव के साथ दो बड़ा पाव फ्री है। ये कल तक के लिए वैलिड है ऑफ़र, यानी कि आज तक के लिए जब हमारा ब्लॉग आएगा। बस अब ये लेकर जा रहे हैं काकू के पास, फिर मिलते हैं आपको सीधा। ये सारे कपड़े डॉली ने धोए हैं, कल के धोए होते डाले आज है, रीज़न बता दो जी क्यों। सुबह धूप इतनी तेज थी कि मैं कहा मैं तो सड़ूंगी सड़ूंगी, कपड़े भी सड़ ही जाएंगे। अब छांव है ना, मैं कहा थोड़ी अब नॉर्मल टाइम होगा ना, धूप चली गई ना। हाँ। उसकी भाप में ही कपड़े अभी देखो मैं डालते डालते सूख चुके हैं, सूख गए हैं। 45 टेम्परेचर है यार, इतना तो धूपेंगे। सुबह तभी लेके नहीं आई यार, बिल्कुल सुबह सुबह 6 बजे डालती, 6 बजे मेरा मन नहीं किया आने के लिए। चलो आओ नीचे, फोन आया मेरे पास, कह रहा पापा जो नई शॉप खुली है ना वड़ा पाव वाली, उसको देख के आना कैसी है। अच्छा। मतलब देखने का कि मींस मतलब है लेकर आना। मैंने कहा चीज खोलने से उसका उद्घाटन भी तो करना चाहिए। कल पूजा वगैरह के ब्लॉग में डाला था ना, तो उसने डाला था, सबने डाला था। देख भाई खा के देखो टेस्ट कैसा है इसका। खा के देखो वड़ा पाव टेस्टी होगा, खा के देख जरा, सॉफ्ट है ना काकू। चटनी अंदर होती है इसके, इन बिल्ड होती है चटनी। ये बिल्कुल बेसिक वाला लेकर आया हूँ, जो डॉली मतलब जो नॉर्मल ओरिजिनल होता है ना मुंबई वाला। हाँ। ये वो स्वाद है, बाकी तो देखो तंदूरी वाला था, स्मोकी फ्लेवर था, बहुत सारी। अच्छा, उनके पास थे। हाँ काकू, ये लिस्ट है इनकी भैया की, खा के देख। और भैया ने हमारी वीडियो पे ऑफर भी निकाला है कि कल जो ये वीडियो देखकर आएगा लोगों को, 5 लोगों को शेयर करेगा ये वीडियो, और जो ब्लॉग देखकर आएगा हमें दिखाएगा उनको दो बड़ा पाव की। शॉप का एड्रेस पूरा पोस्ट करके आप देख लेना, स्विगी और जोमेटो पे भी उपलब्ध हैं ये। और ठीक है, ये फ़ोन नंबर है इनका, ऑर्डर आप कर सकते हो आराम से ये जाके। ठीक है जी, आपको टेस्ट कैसे लगा? अच्छा है, बढ़िया टेस्ट है। अब मैं टेस्ट करके देखता हूं। हरी मिर्च पर एक है, मेरे लिए तो थोड़ा सा स्पाइसी था, इनके लिए सही था, स्पाइसी है ना, मुझे भी लग रहा है सही में, मगर था इतना टेस्टी कुछ कहने कहता है। एक वड़ा पाव सफिशिएंट है आपके लिए, पेट भर जाएगा आपका एक वड़ा पाव से। यानी कि हम जैसे मतलब भर गए, आगे पता नहीं लोगों का, ये बहुत दिक्कत है मतलब है, और टेस्टी बड़ा कितना है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका। इसका अच्छा फ्लेवर आ रहा है, लहसुन वगैरह का, हरी मिर्च का, जो पाउडर डाला है ना, लहसुन का चटनी डाली है, लहसुन की चटनी और ग्रीन चटनी का फ्लेवर देखो ओरिजिनल। वैसे तो देखो स्मोकी, मुंबई का खाया तो नहीं मगर ये तो मुंबई जैसा लग रहा है। स्मोकी फ्लेवर भी था, बारबेक्यूज वाला भी था, तंदूरी वाला भी था, शेजवान वाले था, सारे उनके पास फ्लेवर थे, मगर मैं वो टेस्ट करना चाहता था जो ओरिजिनल टेस्ट है इसका। देखो आप जो जिस चीज़ वजह से शेजवान डालते हो, बारबेक्यू डालते हो, उसका टेस्ट हर किसी का अपनी अपनी पसंद होती है, वो भी बहुत अच्छा है इनका, मगर जो ओरिजिनल ऑथेंटिक मैंने खाया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं दोबारा जाऊँगा इनके पास। जाने की तैयारी हो गई है। अरे तू तो थर्ड आया भाई फुटबॉल में, है ना, तेरे सर्टिफिकेट कहाँ पर है दिखाइए जरा। वो अभी ऑनलाइन है, फोन में है। ऑनलाइन कहाँ पर है दिखाओ, चार्जिंग लगा, चल शाम को दिखा दूँ। मैंने वैसे अगर स्कूल होता ना तो स्टेज में मिलता, स्टेज पे मिलता, चल कोई बात नहीं। मैंने इसको बोला मैंने फुटबॉल में फोकस कर लिया, इसको बैडमिंटन में भी है ज्यादा। चल अभी ठंडा आया, फर्स्ट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पिताजी कहा करते थे, बेटे आप अपने कार्य करो, आप अपना बेस्ट का बेस्ट देने की इच्छा करो, मतलब आपको लगता है ना जो आप अपना बेस्ट दो, जो रिजल्ट आएगा वो ऊपर वाले के ऊपर निर्भर होता है कि आपको क्या फर्स्ट लाना है सेकंड लाना है। आप अपने तरफ से अच्छा किया, आपने मेहनत किया बहुत, मेहनत किया कुछ आया ना, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं आता ना। चलो शाबाश बेटे शाबाश, ऐसे ही करते रहना ठीक है ना, तरक्की करो है ना।
टाइम हो चुका है, बस चाय वगैरह बना लिया मैंने और डॉली के लिए भी बनाया। डॉली ये चाय बन गया, खड़ी हो जाओ भैया, थोड़ा सा आराम कर लिया था, मैंने भी आराम कर लिया था। मैं थोड़ी देर सो गया था यार, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी शॉप पर चले गया था, आज काम काफ़ी ज़्यादा किया था। टी शर्ट भी डॉली निकाला था, अपनी टी शर्ट ही निकल के चेंज कर रखी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैंने अब टी शर्ट्स भी चेंज कर लिए, जल्दी जल्दी चले गया था। तो गाइस बस अब शॉप पर जा रहे हैं, और वड़ा पाव वाकई यार टेस्टी, इतना बहुत बढ़िया टेस्टी था, एक वड़ा पाव खा के नींद आ गई मस्त एकदम। और साथ में हमने पी ली थी लस्सी, और टेस्ट वाकई ऑथेंटिक टेस्ट था, बहुत अच्छा टेस्ट था। एक बारी ट्राई ज़रूर करना, मेरे कहने पर आप ट्राई ज़रूर करना, और अभी तो ऑफ़र भी चल रहा है आपका, फटाफट जाओ, जल्दी से निकल जाओ फटाफट, क्योंकि हमारा वीडियो जो भी देखकर जाएगा शेयर करेगा उसको दो के साथ एक वड़ा पाव फ्री, फ्री मिलेगा। हम जाकर देखेंगे डॉली करी, हम भी जाएंगे शेयर करेंगे। हमें कल बुधवार है, वैसे वेडनेसडे है, कल होकर आएंगे भैया के पास दोबारा से, कोई और फ्लेवर खाएंगे। तो गाइस इसके साथ अब थोड़ी देर में आपको मिलते हैं। मैं आ गया था तिलकनगर डाक खाने के अंदर, कोई मुझे काम था और किसी से मिलना भी था मुझे, और बस काम कुम कर लिया है, थोड़ा सा भाग दौड़ करके आज पैदल पैदल घूमा यार बाहर थोड़ा सा, मैंने कहा चलो पैदल घूमते हैं, बड़ा टाइम हो गया, शाम का टाइम है और तकरीबन 7 बज गए हैं जी। अब सीधा चलते हैं शॉप पर, बहुत टाइम के बाद पैदल दौड़ा हूँ यार यहाँ पर, यहाँ पे थोड़ी सी पेड़ पौधे ना ठंडा के, छोटा उस दिन मीठा निकला था, मीठा लोगे तरंगे, एक बार निकाल देना मेरे लिए बढ़िया सा एक वाटर मिलन, ठीक है। तो गाइस ये नई चद्दर का यानी कि बेड शीट का उद्घाटन हो गया, कैसी लग रही है कमेंट्स करके बता देना भाई, अच्छी लग रही है और कलर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी, अच्छी लग रही है जी। तो गाइस कमेंट्स करके बता देना कलर कैसा लग रहा है एक बार, ठीक है जी। आओ प्रभु देव, खुश है अब है, इसने ज़बरदस्ती आज मम्मी के पीछे बढ़ गया, कह रहा मम्मी बेडशीट बिछा दो, आप तो ले लेते हो और अलमारी में लॉक करके रख लेते हो। हाँ जी हमारी मैडम, कितनी कितनी है, पांच छह और अभी काउंट की थी तूने, बहुत सारी बड़ी है, बहुत सारी बड़ी हुई है। अच्छा जी, ऐसे निकालेंगे एक 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 करके बिछाएंगे ना, चलो बढ़िया भैया। तो गाइज अब हम कर रहे लगे हैं ब्लॉक का एंड, और ठीक है जी ब्लॉक एंड कर दें। कुछ कहना चाहोगे? एक चीज़। क्या? कल आपकी छुट्टी है, ठीक है? अच्छा कल मेरी छुट्टी है, तो सुबह नाश्ता कुछ बढ़िया सा बना देना जल्दी। अच्छा ये पेट को क्या कर रहा है तू? जल्दी उठा के पेट अंदर चले गया ना। तो गाइस ये इसीलिए फूडी, सारे सब्सक्राइबर के कमेंट्स आते हैं कि काकू इतना फूडी है, नहीं फूडी ये इतना फूडी है, ये मैंने बोला है सब्सक्राइबर के कमेंट्स आते हैं। हाँ कई बच्चे खाने के बहुत शौकीन होते हैं, अच्छी बात है खा रहे, हमें पता वो कितना खाएगा तो बीमार होएगा, अनलिमिटेड खिला दे थोड़ा ना उसको। हाँ, भी बचपन में खा लेता था, बट जब से वो जिम करने लगा उसको पता है कि नहीं खाना मुझे फैट वाली चीजें, खाते ही वैसे ही थोड़े दिन में बिना बेचारा जिम करे, देखो आपके सामने आपकी गैस के कमेंट्स आने लगे, बेचारा पतला हो गया, पतला हो गया, हाइट निकल गई है ना, बाकी तो सारे सारी चीजें चेक करा लिए, खिलाना पड़ेगा। एक हफ्ता हो गया ना वेट किए तेरा, एक हफ्ते कल तक वेट करा के, नहीं कल ही, कल ही करके आता, कल करके आते हैं इसका। हाँ ठीक है, ठीक है जी, एक बार मेरे वेट करवा लेना, मैं कितनी मोटी हो चुकी हूँ। हाँ कितना मोटा हो चुका है, मैं कितना मोटा हो चुका हूँ बाबू, तो 70 किलो मोटा नहीं हुआ आप, मोटे लाला मोटा नहीं हुआ मैं, नहीं आपके सही है, थोड़ी मोटी लगती है आपके। अरे ठीक है, खाओ पियो के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में हमारे काकू फैमिली ब्लॉग को और हमारे काकू फैमिली इंस्टाग्राम को जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो कर देना, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस बड़े पाओ फटाफट खाने चले जाओ, दो के साथ एक फ्री मिल रहे हैं, बाय बाय, गुड नाइट गाइस। इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में हमारे काकू फैमिली ब्लॉग को और हमारे काकू फैमिली इंस्टाग्राम को जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो कर देना, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस बड़े पाओ फटाफट खाने चले जाओ, दो के साथ एक फ्री मिल रहे हैं, बाय बाय, गुड नाइट गाइस।